ओम शांति। आज की तारीख है 19 जुलाई 2020। प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। डबल लाइट बनो अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल रतन। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है, तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो। सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट माना हल्के बन गए। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करें कि यह रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्न हर्ता वा सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में मजबूती होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे।
मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं वा नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है, डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति, उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर, जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। वरदान, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पद्मपति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पद्मपति बना देता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।